हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है ब्लावल और आप देख रहे हैं दी रियलिटी ऑफ गेमिंग। तो वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऑफिशियल इंडियन टीम आने वाली है ड्रीम क्रिकेट 2024 में, क्या हमें ऑफिशियल आईपीएल मिलने वाला है और क्या हमें लाइसेंसेबल स्टेडियम्स मिलने वाले हैं इंडिया के। क्या ये कन्फर्म हो चुका है कि ड्रीम इलेवन ने लाइसेंस ले लिया है इंडियन टीम का? तो वीडियो फुल वॉच करना, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो हाल ही में ही जो ट्रेलर आया है उसके लास्ट में एक बैनर दिखाया गया था। अगर आप फोकस करें तो हमें यहाँ पर दो बोर्ड देखने को मिल जाता है, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि इनके पास इस टाइम दो लाइसेंस हैं, एक तो न्यूजीलैंड बोर्ड का और दूसरा अफगानिस्तान का। बट अगर आप साथ में ही देखें तो हमें एक लीग का, जो न्यूजीलैंड की लीग है, उसका भी लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ जो लेजेंड लीग है इसका भी लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन बात निकल के आती है कि क्या इनके पास इंडियन टीम का लाइसेंस है, क्या इनके पास बीसीसीआई का लाइसेंस है? तो जी हाँ दोस्तों, इनके पास लाइसेंस है लेकिन अभी इन्होंने शो नहीं किया। अगर आप जो इस गेम का लोगो देखेंगे वो सूर्या कुमार यादव का है। और सेकंड, अगर जो ट्रेलर आया है उसमें इन्होंने चार स्टेडियम दिखाए हैं जिसमें अहमदाबाद का, कोलकाता का, मुंबई का और हैदराबाद का स्टेडियम दिखाया गया है। और पूरे ट्रेलर में आपको इंडियन प्लेयर ही दिखाए गए हैं, लाइक गौतम गंभीर, सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा, और उनकी जो जर्सीज थी वो भी रियल थी। तो इससे ये 100% कन्फर्म हो जाता है कि ड्रीम इलेवन के पास बीसीसीआई का भी लाइसेंस है लेकिन वो उन्होंने अभी शो आउट नहीं किया अपने ट्रेलर्स में, क्योंकि आपको पता है जो ऑफिशियल पार्टनर है इंडियन टीम के और जर्सी पर जो इस टाइम लोगो है वो भी ड्रीम इलेवन का है। तो इससे कोई भी मुश्किल नहीं फेस की होगी और बीसीसीआई से लाइसेंस मिल गया होगा ड्रीम इलेवन को। बट अगर लाइसेंस ना भी मिला हुआ तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन ने खुद इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स परचेज किए हुए हैं, लाइक ये सारे मतलब काम करते हैं ड्रीम इलेवन के एड्स में, लाइक एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो इंडिया के हैं, लाइक इंडिया की पूरी टीम ही ड्रीम इलेवन के एड्स में आती है। तो इनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली कि इंडिया के रियल फेस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। रियल जर्सी शो आउट उन्होंने कर ही दी है और जो इंडिया के रियल स्टेडियम्स हैं वो भी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिए हैं। तो ये सारे हिंट्स मिलाकर बात की जाए तो ये बीसीसीआई से लाइसेंस ले चुके हैं, ऊपर से ये ऑफिशियल पार्टनर हैं इंडिया की, जो जर्सी है उस पर इनका बड़ा सारा लोगो है ड्रीम इलेवन का। तो कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी होगी इनको और इनको लाइसेंस मिल गया होगा, लेकिन ये एक सरप्राइज़ होगा जो अभी तक शो नहीं किया गया। जो नेक्स्ट ट्रेलर आने वाले हैं ड्रीम इलेवन के, ड्रीम क्रिकेट 2024 के, उसमें ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और ये सारे अभी बहुत सारे सरप्राइजेज आना बाकी हैं जो वर्ल्ड कप के पास जब ये एड्स आएंगे तब ये शो आउट करेंगे, क्योंकि जब क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आएगा तो ड्रीम इलेवन के बहुत ज़्यादा एड्स आएंगे टीवीज़ पर, तो तब ये गेम की अनाउंसमेंट भी की जाएगी और बहुत सारे जो सरप्राइज फीचर हैं वो भी ट्रेलर्स में दिखाए जाएंगे। तो वीडियो यहाँ तक ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।